वाली साहब मेरे दोस्तों को वाकया सुना दें, जिस दिन आपको याद है कि वाली साहब का कत्ल होने के बाद जो था, हमने मेरा 2700 रुपया था और मैंने आपको बुलाया था कि आप उधर आए, मेरे वाली साहब का ख़त्म है, तो आप भी आए हैं, तो जब आप आए हैं तो मैंने भजन तारिक को जब उधर बुलाया रिक्शे में जहाँ पे मैं बैठा हुआ, वो पीएनडी कॉलोनी में, आप बताएं मेरे नादिर में सारा बिल्कुल जो है सुना रहे हैं ऐसे ही है, तो इसमें चिचकना वाली बात, ये इनका इन्होंने कोई खत्म रखा हुआ था घर में वाला साहब का, ये दही वगैरह लेने के लिए गए हैं, बाइक इनकी खराब थी, किसी दोस्त से इन्होंने साइकिल ली है, ये पी एन डी कॉलोनी में एंटर होते हैं कि उनका छोटा सा गेट था जिधर से सिर्फ बाइक या अपना साइकिल ही गुजर सकती थी, ये गए हैं, तो इनके ऊपर उधर ना कुछ लोगों ने सलमान खोखर वगैरह ने और कुछ लोगों ने नकाब किए हुए, नहीं आप ये भी बताया ना, वो सलमान खोखर मेरे वाले साहब की कत्ल के एफ आई आर में नामजद था, बेशक वो बेगुनाह था, बेशक वो बेगुनाह था, तो सबको पता, लेकिन वो एफ आई आर में था, जी बिल्कुल एफ आई आर में था, उसने अपने कुछ साथियों के साथ, वहाँ पे सलमान खोखर था, वहाँ पे अमजद था, उस वहाँ पे खाला था, आप चौधरी था, ये चार अफराद ना मुझे वहाँ पे रोक लेते हैं नादरीन, इन्होंने जो था ना सलमान खोखर ने, क्योंकि रास्ता आपको बता रहे हैं कि वहाँ से बाइक गुजर सकती है या पैदल बंदा, डबल जो है ना बाइक इकट्ठी नहीं गुजर सकती, छोटा सा रास्ता नहीं हो सकता टी एन टी क्वार्टरों में, तो मैं साइकिल से जब रास्ते में से निकलने लगा आगे से ये बाइक पे आ गए हैं, चार या दो मोटरसाइकिलों पर, तीन मोटरसाइकिलों पर छः जाने ये, तो मैंने जब इनको देख लिया ना, तो सलमान खोखर मुझे देख के नीचे उतरा, तो मेरे सलमान ने यह कहा है कि जी शाहिद आप जो है ना अपने घर वालों को ये समझाओ कि चौधरी साहब को हमने कत्ल नहीं किया, ना ही हमने जाहिद को मारा है, जाहिद मेरा दोस्त था, भाई था मेरा, और आप झूठा पर्चा आपने करवाया, अपने वालिद साहब का कत्ल जो है हमारे ऊपर डाल दिया, फिर में मैं नामजद हूँ, तो मैंने वहाँ पर जो था ना सलमान खोखर को इन सबको ये कहा है कि अदालतें जो करेंगी ना वो बेहतर फैसला होगा, तो मैंने आपके साथ लड़ाई तो नहीं करनी, इतनी बात से वो आग गोला और उन सब ने जो था ना खालिद हुसैन खाला जो बिश्ती था आबद का दोस्त, इसने मुझे पहला थप्पड़ मारा है, और अमजद मुश्ताक और आबद चौधरी और ये सारे मुझे मारना शुरू हो गए, इस बात का गवाह अमजद मुश्ताक हैं, आज तो मेरे भाई हैं, बड़ा उनका नाम है, वो आबद चौधरी के बड़े अच्छे दोस्त थे, ख्वाजा अवैस वगैरह के बड़े अच्छे दो बहादुर भी था वो, खैर ये सब मुझे मारते रहे हैं, दोस्तों में होता है कि धड़ेबाजी में आगे ये नहीं देखा जाता कि ये बंदा राइट पे है या नाहक है, तो इन सब ने मुझे मारा, और मारने के बाद जो था ना आप यकीन करें कि मेरी जो शलवार थी ना इन्होंने फाड़ दिया और उतर गई है, यानी नाला नूडल्स का जारबंद इन्होंने तोड़ दिया, सलमान का जो था वो उस समय पर कोई ऐसा काम नहीं किया, मुझे मारा नहीं है, लेकिन ये बाकी जो थे ना खालिद हुसैन और अमजद मुश्ताक मुझे मुसलसल मारते रहे, आबद चौधरी भी इनको ना मैंने देखा कि एक दो दफ़ा उसने रोका है कि उसको पता था कि जाहिद इसका भाई बड़ा हमारा सीनियर था, बॉस था हमारा, शायद इस वजह से वो नहीं चाह रहा था कि मेरे साथ ऐसा काम हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा काम हो गया। मैंने नादरीन वहाँ पे जो है ना आपको बताया प्रोग्राम मेरे खोल के देख लें, मैंने पहले भी ये बात आपको की हुई है और उसी को रिपीट और तस्दीक के लिए मैंने मलिक साहब को ये कहा था कि आप बताएं क्या हुआ था वहाँ पे। तो मैंने वो टी एन टी क्वार्टर का जो गेट था ना वैसे खुलता था, मैं वहाँ पे साइकिल मेरी टूट गई, इनको चक्के जो थे साइकिल के टायर वगैरह वो भी टेढ़े कर दिए, तो साइकिल चलने के काबिल नहीं थी, वो मैंने बाहर टी एन टी क्वार्टर को बाहर साथ ही खोखा था वहाँ पे साइकिल खड़ी की, उस दुकानदार के आगे मैं रोया हूँ, उसने देखा यार ये लड़की शलवार उतर गई, कमीज इसने आगे पीछे बांधी है, तो ये जो है क्या हुआ, मैंने सोचा यार मेरे मुझे मारा है किसी ने ना, मेरे मुखालफ थे तो ये साइकिल खड़ी कर रहे हैं, मैं बाद में ले जाऊंगा, तो मैं अपनी उसी बंधी हुई कमीज के साथ जो था ना, ये बात आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, ये बात नोट कीजिएगा, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, मैंने कमीज़ को आगे पीछे से बांधा हुआ था ताकि मेरी शर्मगाह जो है ना वो लोग ना देख सकें, मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता हूँ, उस खोखे वाले को मैं ये कहता हूँ कि रिक्शे को आते के रोक देना, साथ में रो रहा था, उसने मजलूमियत और उस चीज़ को समझते हुए रिक्शे वाले को रोका है, और मैं फिर आकर सीधे रिक्शे के अंदर बैठ गया। मैंने तो कहा फलानी जगह चलो, रिक्शा वाला भी देख रहा है किसी बंदे ने शलवार नहीं पहनी हुई, कमीज़ को आगे पीछे बांधा हुआ और साथ में रो रहा था, मुझे निशान भी बड़े ब्लड भी मेरा यहाँ से ना, मुझे आज भी याद है कि यहाँ से सारा ब्लड जो था मेरी कमीज़ के वो खून ही खून लगा हुआ था। मैं नाज़रीन इस होलिये में जो है ना अपने घर के आगे आता हूँ, मेरे घर के पीछे बोर्ड का दरख्त था बड़ा पुराना 100 साल पुराना, तो मैं उसके नीचे आकर रिक्शा खड़ा कर लेता हूँ, रिक्शे वाले को ये कहता हूँ कि सिर्फ ये जहाँ पे लोग बैठे फातिहा खानी कर रहे हैं ना इनके अंदर जाओ, यहाँ पे कहो कि तारिक साहब जो हैं उनको जो है ना, मैं अगर जब वो मिल जाएँ तो उनसे ये पूछ के आप तारिक साहब हैं, फिर उनको बताना ताकि माँ को अगर पता लगा कि मेरे आज बेटे के साथ भी यही काम हो गया है, पहले मेरा खामंद जो है पैरवी से जो है दुनिया से पूछ कर गया, उसको कत्ल कर दिया गया, तो आज मेरे बेटे को रोक कैसे किया, कल को इसको भी ना को मार दे, लेकिन मेरे अंदर कुछ और था ना, मैंने कुछ और जो है सोचा हुआ था, एक कल आप सोचते अल्लाह ताला सोच के रखता है प्लान, मैंने कुछ और सोचा हुआ था, मैंने मुनासिब नहीं समझा माँ को बताना, भाई मेरे जब वो रिक्शा वाला जब जाकर उनको बताता है कि बाहर आपका भाई जो है वो आपको बुला रहा है, तो मलिक साहब जो है ना भयन तारिक को देख कर इनके साथ उठ के साथ ही आ जाता है, हालात को भांप लेते हैं कि शायद कोई गड़बड़ है। मलिक साहब भयन तारिक के साथ जब आते हैं ना नाज़रीन, तो आप इनसे पूछें
कि मेरी शलवार मेरे पास थी और मैं अपने को कैसे डांपा हुआ था। जी वो ऐसा ही वक्त था कि मैं जब भाईजान तारक के साथ जाता हूँ तो शायद भाई रिक्शे में बैठे होते हैं तो शलवार कोई नहीं होती और इनकी कमीज के ऊपर खून बहुत ज्यादा, जो यहाँ मुझे चोट लगी थी बट लगा था सारा ब्लड, यानी वो ब्लड ही ऊपर सूख के रुक गया। देखें ये मेरी बात की ताईद हो रही है कि अगर वो मुखालफीन इसको जीने का मौका देते तो शायद ये बदले वाले सिनारियों में ना जाता, लेकिन इसको मजबूर किया गया, ठीक है, कि इसको बचाने के लिए फिर खुद को इस फील्ड में लाना पड़ा और बदला लेना पड़ा। जब मैंने शाहिद भाई से कहा, मैंने कहा यार उन्होंने ज्यादती इस हद तक की है तो चले हमें भी तो कुछ ना कुछ इसका जवाब देना चाहिए, तो इन्होंने ना पॉजिटिवली मुझे रोक दिया कि नहीं अभी वक्त नहीं है, अभी जब कोई टाइम आए। मेरे भाई छोटे हैं, बड़े भाई बैंक जाते हैं, ताकतवर है स्टूडेंट, इनके पीछे तंजीमें हैं, इनके पीछे उस अर्शद मीन वगैरह ये सारे पीछे देंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही, अर्शद मीन वगैरह सब एक ही थे, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा एक मतलब लाहौर की जो टॉप की जो क्रीम थी ना ये सारे मुखालिफ धड़े में थे, इनके साथ तो मैं खड़ा था या इनके वो कलबेबाज जगह था या दो तीन दोस्त इनके बचपन के थे जिनके जो बदमाश नहीं थे जो इस कैटेगरी के नहीं थे, लेकिन चूंकि इनके साथ में आमर बशीर जाट था, आमर बशीर जाट था, बिल्कुल चन्ना था मेरा दोस्त, चन्ना हयात था मेरा दोस्त, ये मेरी जान थे सारे, मुबशर खान खान बन, मुबशर खान बिल्कुल, आशी भट्ट भी मेरा बाद में छात्र दोस्त भाई बन गए, बिल्कुल ऐसा ही है, ये वाक्य जेन्युइन था ना, यानी मेरे साथ ऐसे हुआ है, हुआ है बिल्कुल, और मैंने उस चश्मदीद हुआ है और मैंने उस वक्त भी आपको ये अल्फाज कहे थे मलिक साहब मेरा नुकसान बड़ा होएगा जी बिल्कुल, तो मैंने वक्त को जो है ना वक्त को बचाया था, बचाया था बिल्कुल, मैं म्यूजिक सेंटर करता था, मुझे पता था कि आज जिस हद तक ये चले गए ना ये किसी को जान के मजबूर करने वाली बात होती है कि हमारा कुछ करो या मर जाओ, मैंने वहां पे भी ना अपना कुछ किया ना उनको कुछ कहा, वक्त गुजर गया, खैर कुदरत को जो मंजूर होता है वही होता है। मलिक साहब आपके ऊपर एक याद है, आपके ऊपर एक FIR दर्ज हुई थी सलमान ने जो करवाई थी, उस FIR में आप मेरे अब्बू को दफ्तर में मिले थे, अब्बू ने क्या कहा था आपको? जी मैंने बिल्कुल आपके वाले साहब से मिला हूँ कि देखें ये हमने ये हुआ तो हमने किया भी नहीं। वाकया क्या था? वाकया यही था कि मैंने और आपने इनके घर जाके तो फायरिंग की है इस तरह को, और FX गाड़ी में फायर लगे और सलमान को उसने करवा के झूठा मुकदमा करवाया था, तो मैंने इनके वाले साहब से कहा होगा बेटा फिक्र ना करे, जब एक चीज में आप मुलव्वस नहीं हो तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और उन्होंने अपना बहुत जल्द मुझे उसमें से डिस्चार्ज करवा दिया, मेरे घर पुलिस वगैरह भी गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, मुझे कभी भी तंगी नहीं हुई इस मामले में।